जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन एक क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है लीनियर एलजेब्रा का, एक क्वेश्चन आईडी जो है 521 है। देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक और कंसेप्ट है, किस तरीके से इसको फेरमोर करने का प्रयास किया गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर कि लेट एम बिलोंग्स एम एन आर, मतलब कोई मैट्रिक्स है एन आर्डर का सच दैट कि ये एम जीरो नहीं है बट एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक छोटी सी बात कही गई है उसके बाद तुरंत जो है ऑप्शंस में गेम खेली गई है, और वो भी गेम कैसी है कि एन इवन और ऑड पे सिर्फ क्वेश्चन को बना दिया गया है, और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस के बीच रिलेशन को पूछा जा रहा है। ये सब थोड़ी बदमाशी होती है, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की एक पुरानी अवधारणा है, चलती रहती है इस टाइप की। भाई एकेडमिक वाले तो बड़े बेचारे सीधे सपाट होते हैं, ये सीधे सपाट तो होंगे नहीं। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस एम का मतलब है कि रैंक ऑफ एम के बारे में पूछना चाह रहा है, और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का मतलब कि नलिटी ऑफ एम के बारे में पूछी जा रही है। यानी अगर आपके पास कोई एन आर्डर का मैट्रिक्स है, या यूं कहें कि एम स्क्वायर जीरो मतलब वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो अगर आपके पास कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका रैंक और नलिटी क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में आपसे जानना चाह रहा है। तो चलते हैं एक एक चीज़ की हम एनालिसिस करते हैं। आइए देखिए सीरियसली इसको। एम जीरो नहीं है, एम स्क्वायर जीरो है, ठीक है। एक चीज़ और थोड़ी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और बेसिकली वो ऐसे कोई कैरेक्टर को सेटिस्फाई करता हो जहाँ एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल्स की बात दी हुई हो मैट्रिक्स में, और उसके रैंक की नलिटी की या कुछ भी चीज़ पूछी जा रही हो ना, तो मेरी एक सलाह है हमेशा आप उसका जो है ना जीसी फार्म निकालें, जार्डन कैनोनिकल फार्म निकालें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे नीलपोटेंट जो एम स्क्वायर जीरो होंगे, एम जीरो नहीं होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्सों की हम कौन सी तलाश करेंगे। लेकिन पक्का उसमें से एक मैट्रिक्स वो होगा ना जो उसका जेसी फार्म होगा। और दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम जेसी फार्म अगर निकाल लें ना, तो एम के पूरे कैरेक्टर्स को हम देख सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि हर मैट्रिक्स अपने जेसी फार्म का जो होता है ना वो सिमिलर होता है, हर मैट्रिक्स अपने जीसी फार्म का सिमिलर मैट्रिक्स होता है, तो वो सिमिलरिटी की कंडीशंस को जो है होल्ड करता है। तो और हमें मुझे पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है सिमिलर मैट्रिक्स है तो फिर वो उन दोनों की कंडीशंस जो होती है ना मैट्रिक्स की दुनिया में, जो भी कुछ इन्वॉल्व होगी वो सेम होगी। तो चलते हैं उसी कंसेप्ट पे हम आ जाते हैं। एम स्क्वायर जीरो कहा है, उसका आर्डर हमारा एन है, तो सबको पता है जनरली अगर आपके पास कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका आर्डर एन है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगा एक्स रेस टू द पावर एन। इज इट क्लियर? ओके। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसका मिनिमल पॉलीनोमियल निकालने जाएं तो क्या होगा, मिनिमल पॉलीनोमियल इसको एनिहिलेट करेगा, यानी जो एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल इसका हम निकालें तो एक्स स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। तो जो इसका मिनिमल पॉलीनोमियल की जो संभावना बनती है वो क्या हो सकती है, एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल को डिवाइड करता है तो या तो एक्स होगा या एक्स स्क्वायर होगा। एक्स तो नहीं हो सकता है क्योंकि एम ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सॉरी एम एम इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और कहा है कि एम एम जीरो का मतलब एम जीरो हो गया, और ये संभव नहीं है क्योंकि एम जीरो नहीं है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो मिनिमल पॉलीनोमियल होगा इस मैट्रिक्स का वो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर होगा। हो गई बात है? अब अगर हम इसका जार्डन कैनोनिकल फार्म बनाएं, जीसी फार्म बनाएं, तो कैसे बनेगा, वो मिनिमल पॉलीनोमियल को ध्यान में देखा जाता है। जीसी फार्म में जो भी ब्लॉक बनेगा उसमें से कम एक ब्लॉक ऐसा होगा जिसका आर्डर टू होगा, बाकी का आर्डर टू भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मिनिमम आर्डर क्या होता है, मिनिमम आर्डर वन होता है। यानी ये तो बात कन्फर्म हो गई कि इस मैट्रिक्स का जो जार्डन कैनोनिकल फार्म जो जेसी फार्म बनेगा उसमें उसका आर्डर किसी एक ब्लॉक का दो होगा, और बाकी ब्लॉक के आर्डर दो हो सकते हैं या दो से कम होंगे। राइट? इज इट क्लियर? अब चलते हैं देखते हैं जेसी फार्म कैसे कैसे बनेंगे। तो ऑप्शन पे आते हैं, एन की बात क्या है कि अगर इवन है और ऑड है, तो चलिए अगर एन इवन है तो क्या होगा देख लेते हैं। इफ एन इज इवन, तो इवन का मतलब एन इज इक्वल टू, मैं यहाँ टू की ले लूँ,
ओके। तो फिर हम लोग जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर्स जो होगा हमारा जो 2K है वो, एक तो हमारा 2 बनेगा, 2 बन सकता है, 2 बन सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है K टाइम्स, मैक्सिमम यही हो सकता है। दूसरा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के जो ब्लॉक बनेंगे उनके ऑर्डर क्या होंगे, एक 2 हो सकता है, बाकी और भी 2 हो सकता है, 1-1 हो सकता है, राइट। अगर ये फार्म बना तो जिसमें मैक्सिमम हमारे 2 आर्डर के हो सकते हैं, बाकी कम हो सकते हैं, बाकी तो सब 2 होगा नहीं, 2 से कम होगा, तो इसमें रैंक ऑफ एम की अगर बात करें तो क्या होगा, तो देख लीजिए जो जॉर्डन कैनोनिकल फार्म अगर बना ये 2 आर्डर का, तो मतलब क्या होगा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 0 0, बाकी ये 0 0, सब यही बनेगा मेरा, दिस ये आर्डर बनेंगे। तो जब वो 2 आर्डर के बनेंगे तो यहाँ इसके अगर रैंक की अगर हम बात करें तो रैंक पता है कितना आ जाएगा, रैंक की वैल्यू जो होगी इसकी, रैंक ऑफ एम इस केस में हमारी के हो जाएगी, राइट। उसके बाद क्या होगा, इसके अलावा जितने फार्म हमारे, जितने तरीके बनने के हो सकते हैं, उस सब में जो रैंक की जो वैल्यू आएगी वो के माइनस 1 होगी, राइट। अब एक बड़ा फेमस रिजल्ट है कि रैंक ऑफ एम प्लस नलिटी ऑफ एम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जो वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ एन ऑर्डर का है तो एन हो गया हमारा, और एन की जगह हमने 2K लिया हुआ है, राइट। अब देख लीजिए पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, इस टाइप का होगा तो K होगा, बाकी K माइनस 1 होगा, K माइनस 2 होगा, सबकी वैल्यू होगी K से कम होगी। तो अगर पहले केस में रैंक अगर K हुआ तो क्या होगा, k प्लस नलिटी ऑफ m इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2k, तो नलिटी ऑफ m इज इक्वल टू k। रैंक ऑफ m का मतलब क्या है, यही है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ m, और ये क्या है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ m। इसी पे तो क्वेश्चन एराइज हुआ है, इसी पे तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों सेम हो गया, मतलब सेम हो सकता है ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो भी वैल्यू है वो के से लेस है, तो जब आप नलिटी ऑफ एम निकालेंगे तो 2K माइनस रैंक ऑफ एम हो गई बातें। अब रैंक ऑफ एम बाकी सारे केस में के से कम है, तो के से कम है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि जो रैंक ऑफ एम आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन के आएगी, राइट। कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन के है तो जब 2K में से लेस देन के निकालेंगे तो नेचुरल सी बात है जो भी वैल्यू आएगी वो के से बड़ी होगी। तो जो नलिटी ऑफ एम है, जो नल स्पेस ऑफ एम है, वो हमेशा के से बड़ा होगा, या अभी हमने प्रूफ किया, या आपका के हो सकता है इक्वल हो सकता है कि इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम हो जाए, या ये हो सकता है कि ये इससे बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, नेवर, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। देखिए यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर मैक्सिमम 2-2 बना, यही पॉसिबिलिटी मैक्सिमम की है, तो उस स्टेज में रैंक एम का आर्डर के होगा, तो नलिटी का आर्डर जो होगा बाय दिस ए फेमस रिजल्ट है, सबको पता है, वो भी के होगा। तो जब ये जो फार्म बनेगा जेसी का, तो उस स्टेज में दोनों का रैंक सेम हो जाएगा, बाकी जो भी पॉसिबिलिटी बची उसमें नलिटी ऑफ एम का जो डायमेंशन है वो के से बड़ा है, छोटा नहीं हो सकता है, नेवर। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमने तो बाकी चीज़ें प्रूफ कर दी। तो इवन के लिए जो है जो डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ एम होगा, मतलब कॉलम स्पेस ऑफ एम होगा, हमेशा नल स्पेस ऑफ एम से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता है। तो पहला तो ग्रेटर दिया है, धाराशाही हो गया, ये एन इवेन है तो ये सही है। नाउ वी हैव प्रूव दिस ईयर, हमने इसको प्रूव किया, तो ऑप्शन 2 इज राइट। अब एन आर्ड के बारे में पूछा है, तो यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट, अब देखिए अब तो आप भी इसको लगा सकते हैं, अब इसमें कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। अगर एन इवेन के जगह अगर आर्ड हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, चलिए आइए देख लेते हैं। और आर्ड के लिए सबको पता है, अगर हमने 2K लिया है तो या तो 2K माइनस 1 ले लीजिए या 2K प्लस 1 ले लीजिए, ठीक है, माइनस से बेटर है थोड़ा प्लस ले लिया जाए, और पॉजिटिव ही करते रहना चाहिए, निगेटिव अप्रोच नहीं रहना चाहिए। तो इवन की बात है, आड की बात आई है, तो आड के लिए अगर n इज इक्वल टू आड हो तो n इज इक्वल टू 2K प्लस 1 हमने कंसीडर कर लिया,
चलिए हो गई बातें, एम एक्स एक्स स्क्वायर है, तो जो मेरा जार्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा अगर 2k+1 को अगर हम ब्रेक करें और अगर सभी का आर्डर 2 हो जाए, हर जार्डन कैनोनिकल जेसी फॉर्म में हर ब्लॉक का आर्डर 2 हो जाए, यह हो सकता है, या 2 से कम होगा लेकिन कम से कम एक होगा जो 2 होगा, तो ये क्या हो सकता है, 2+2k times a बनेगा, उसके बाद प्लस वन हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2+2k-1 times ये प्लस वन या 2, एक तो जो सबसे मिनिमम जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, कम से कम एक ब्लॉक होगा, उसके बाद ये 1-1 आर्डर के बनेंगे। ओके, तो एक तो ये बन गया हमारा, और 2k+1 है तो ये हमारा 2k हो जाएगा। अब देख लीजिए कि रैंक एम और नलिटी एम इस केस में क्या हो सकती है, अगर ये 2k+1 बना तो 2+2 कितने टाइम्स तक आए हैं, k टाइम्स तक, तो इसका मतलब हमारा जो होगा, जो रैंक ऑफ एम होगा हमारा k होगा, राइट। अब देख लीजिए, क्योंकि ये 2 जो बना है ना, इसमें 1 एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ये जो 2 जो ब्लॉक बनेगा उसमें 1 एक आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से 1 मतलब 1 एक रहेगा ना, मतलब देख लीजिए आप, मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, ये बना नहीं, जो 2 आर्डर का ब्लॉक बनेगा उसमें एक हमारा नॉन जीरो रोज प्रेजेंट होगा, जो दूसरा बनेगा उसमें एक नॉन जीरो रोज प्रेजेंट होगा, ये जो बनेगा उसमें एक नॉन जीरो रोज प्रेजेंट होगा, तो जो ये जो टू आर्डर का जो ब्लॉक बन रहा है इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे, मतलब 1 नॉन जीरो रोज रहेगी, इज इट क्लियर, तो इसमें 1 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, तो k टाइम्स है, तो रैंक एम कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। और ये मैं रिजल्ट जानता हूँ, रैंक ऑफ एम प्लस नलिटी ऑफ एम कितना होगा, यार 2k+1 हो गया, क्योंकि n इज इक्वल टू 2k+1 है, आर्ड के बारे में एनालिसिस की बात कह रहा है, तो नल ऑफ स्पेस एम कितना हो जाएगा भाई, k+1 हो जाएगा, इस पहले वाले केस में हो जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या होगा कि अब अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कि रैंक ऑफ एम जो होगा वो k से लेस होगा, तो k से अगर लेस होगा तो जो नल स्पेस ऑफ एम होगा वो हर हालत में, नल स्पेस ऑफ एम ऑलवेज ग्रेटर देन रैंक ऑफ एम, इस पॉसिबिलिटी में भी अगर देखें तो नल स्पेस ऑफ एम ग्रेटर देन रैंक ऑफ एम, मतलब k प्लस वन नेचुरल सी बात है, ग्रेटर देन k, इक्वल नहीं हो रहा है, इसके बाद तो इक्वल होने की संभावना ही नहीं है, यही ये इक्वल होने की संभावना यहाँ दे सकता है कि रैंक ऑफ एम नल स्पेस ऑफ एम के सेम हो जाए, ये वाली कंडीशन में सेम नहीं है तो बाकी वाली कंडीशंस में सेम नहीं हो सकता है। आप कोई 5-7 आप एग्जांपल लेकर के ना आप देख सकते हैं, जनरल भी देख लीजिए कि यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है रैंक की, और वो मैक्सिमम रैंक की पॉसिबिलिटी के है, के से बड़ी नहीं हो सकती है, और उस स्टेज में नल स्पेस ऑफ एम के प्लस वन है, इससे बड़ा है, इक्वल नहीं है, उसके बाद तो ये और बड़े हो जाएंगे, नल स्पेस आप ही हम रैंक स्पेस आप ही हम के और बड़ा हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि अगर n आड है तो हमने ये प्रूफ किया कि नल स्पेस ऑफ एम जो होगा वो रैंक ऑफ एम से हमेशा बड़ा होगा, मतलब ये हो गया रैंक ऑफ एम का मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम ऑलवेज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एम, राइट, इक्वल नहीं हो सकता है, लेस की होने की तो बात ही नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम ऑलवेज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एम अगर एन आड है, दिस इज द प्रूफ हियर। अब ऑप्शन देख लीजिए आपका क्या सही है, अगर एन आड है तो क्या कहा है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस लेस देन ये, नहीं, पक्का गलत, 100% गलत। 4 है कि अगर ऐसा है तो फिर ये ग्रेटर है, डेफिनेटली ग्रेटर है ऑलरेडी, तो दिस इज द राइट हियर। अच्छा, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू दे देता तब भी वो सही हो जाता, क्योंकि कम से कम एक तो सही है हमारा, तो ये जो 4 है ये राइट है, और सेकेंड इसका राइट है, बाकी ऑप्शन दैट इज द रॉन्ग हियर। और कैसे रॉन्ग है, हमने इस चीज़ को प्रूव किया। एक और बात, अगर इसके कंसेप्ट में कहीं आपको प्रॉब्लम रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो अगेन हम उस चीज़ को ध्यान में रख के पहले उसको हम क्लियर करेंगे। एक बात और, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।